हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अफ्रीकन ग्रे पैरट के लिए जो इम्पोर्टेड केज है, ये वाला। ये पूरा असेंबल करना पड़ता है, पूरा खुला आता है पार्ट बाय पार्ट। ये सबसे अच्छा यही केज मुझको लगा है, क्योंकि ये पूरा खुल जाता है। खोल के इसको पूरा वॉश कर सकते हैं आप, उसके बाद फिर से इसको अटैच कर सकते हैं। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, आज मैं थोड़ा वॉश कर रहा था तो सोचा इसका असेंबली करके आप लोगों को दिखाऊँ। तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है ये पहले देख लीजिए। यहाँ पे दो पीस ऐसे ये जाल मिल जाता है। ये ऊपर का स्टैंड का जो हिस्सा है उसका सब पार्ट्स है ये सब, और ये जो है साइड का जो बाउंड्री है, ताकि जो सब वेस्टेज गिरेगा वो केज के अंदर ही रहे। ये चार पीस मिलता है, और ये ऊपर का है, ऊपर का नेट है ये, और ये सामने का नेट है, ये पीछे का नेट है, और ये दो साइड का दो नेट है। यहाँ पे दो ट्रे मिल जाता है, और एक नीचे का जो नेट है वो भी रिमूवेबल है। अब मैं ये केज आपको असेंबल करके दिखाऊंगा। मेरा ग्रे पैरट यहाँ पे सो रहा है, एक पैरट। मेरे पास दो पैरट है, एक यहाँ पे और एक दूसरा रूम पे रखा हूँ। ये अभी नहा के आया है, और यहाँ पे मेरा दो सानकनियर है, 2 महीने का बच्चा है। इस केज को मैं असेंबल कर लिया, आप देख सकते हैं कैसे ये कंप्लीट दिखता है। यह है इसका नीचे का व्हील, जिससे आप केज को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। उसके बाद इसका जो फीचर्स है, ये वाला चीज़, इससे क्या होगा, जब आपका बर्ड यहाँ से खाना खाएगा, यहाँ पे बोल रहता है, तो खाना अगर गिरेगा तो यहाँ पे गिर के अंदर चला जाता है, खाना डायरेक्ट नीचे बाहर नहीं पड़ता है। ये चारों तरफ ऐसे देखने को मिलेगा। अगर बर्ड सोचिए ऊपर से भी यहाँ पे बैठ के खड़ा है, यहाँ पे बोल लगा हुआ है, यहाँ से खाना खाते खाते इसको यहाँ से फेंका, तो ये यहाँ पर लग के ये अंदर चले जाते हैं। और ये है डोर, डोर का लॉक आप देख सकते हैं यहाँ से है, और यहाँ से और एक लॉकिंग सिस्टम है, देख सकते हैं ये डबल लॉक सिस्टम है। अगर ये खुला भी रह जाएगा तो यहाँ से लॉक किया हुआ, अगर ये भी अगर खुला रहेगा तो यहाँ से लॉक रहेगा, तो आपका बर्ड आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ इसका जो बोल का जगह है, इसका जो बॉल रखने का जगह है, यह आप रख देंगे। और बर्ड क्या करते हैं, बॉल को उठा के बाहर फेंक देते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से एक लॉक दिया हुआ है। आप यहाँ से घुसा के इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए, अगर बर्ड इसको ट्राई भी करेगा बॉल बाहर नहीं गिरेगा, यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो ये सिस्टम तीनों जगह पर है, यहाँ पे पानी देंगे, यहाँ पे ड्राई फूड, और ये वाला सॉफ्ट फूड के लिए। ये केज के साथ ऊपर एक स्टैंड आता है, तो आपको अलग से स्टैंड नहीं खरीदना होगा। और यहाँ पे लैडर भी है, बार्ड यहाँ से निकल के खुद से लैडर से चढ़ के ऊपर आ सकता है। और ये जो बोल रखने का जगह है, यहाँ पे भी लॉक सिस्टम है, देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइट हो रहा है, इसको अंदर घुसा देंगे, उसके बाद बर्ड इसको बाहर नहीं उठा पाएंगे। बर्ड का हैबिट होता है बॉल उठा के फेंक देना, बट ये यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो ऐसे दोनों साइड में खाना देने का जगह है, एक साइड में खाना, एक साइड में पानी। और यहाँ पे ये ट्रे है, रिमूवेबल ट्रे। अगर आपका बर्ड यहाँ पे बैठे रहेगा और यहाँ से खाना खाएगा और पॉटी करेगा, तो वो इसके अंदर पड़ेगा। अगर ये ट्रे नहीं है, अगर ये ट्रे नहीं रहेगा तो इसके अंदर गिर सकता है, तो ये नेट भी गंदा हो जाएगा। ये और एक फीचर है इसका। नेक्स्ट फीचर है इसका जो नेट है नीचे का, फ्लोर का जो नेट होता है, ये रिमूवेबल है। बहुत बार क्या होता है, ये नीचे का ट्रे गंदा हो जाता है, तो आप निकल के साफ़ नहीं कर सकते, बट इस पर आप निकल के पूरा अच्छे से साफ कर सकते हैं। नीचे का ट्रे भी रिमूवेबल है, और फ्लोर और ट्रे के बीच में बहुत सारा गैप है, ताकि ये गंदा चीज़ बर्ड के कांटेक्ट में ना आए।
पॉटी बोलिए, खाना बोलिए, जो भी यहाँ पे जमा होगा। तो ये केज मुझको सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये रूम के अंदर रखता हूँ, तो रूम के अंदर रखने के लिए यही सबसे अच्छा केज है, फैंसी केज है। ये बाहर से इंपोर्ट करके आता है, बट इसका कॉस्ट बहुत ही हाई है। मैंने इसको परचेस किया 15,000 से, ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा 20,000 पे। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा व्यू देता है रूम के अंदर रखेंगे तो। और ये एक ग्रे पैरट के लिए तो बहुत ही बड़ा स्पेस है, आप इसमें दो भी रख सकते हैं। मेरा ये केज में दो ग्रे पैरट रहता है, पैरट ऑल टाइम इसके अंदर नहीं रहता। जैसे आप देख सकते हैं वो बाहर भी घूम रहा है, बाहर पे उसका पर्च है, उसका ऊपर रहता है, नहीं तो इसके ऊपर रहता है, नहीं तो डोर के ऊपर चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे पैरट कितना गंदा करता है। मेरे पास दो ग्रे पैरट है, ये दो ग्रे पैरट का गंदा है, और एक महीना तक मैं इसको साफ़ नहीं किया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गंदा करता है ये लोग। और ग्रे पैरट का ये डस्ट बहुत निकलता है, देख सकते हैं ये जो डस्ट देख रहे हैं, डैंड्रफ के टाइप का होता है, और ये अंदर का ये फेदर बहुत ये लोग शेड करता है, तो आपका घर और केज तो ये सबसे भर जाएगा। देखिए ऊपर का ये भी पूरा गंदा कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे उठ के बैठता है और यहाँ से पॉटी करता है, तो पूरा इधर से इधर गिरता है, और ये गार्ड के लिए बाहर नहीं गिरेगा, इसका अंदर ही रहता है। ये सब देख सकते, पूरा गंदा कर दिया, पूरा लॉक के ऊपर पॉटी किया यहाँ पे बैठ के, और ये गंदा हो गया। और ये ट्रे पे मुझको पेपर लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पानी या फिर वाटर ही पूप करेगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेता, नहीं तो पूरा हाथ से वो फैल देगा पूरा चीज़ को। मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा बाट का ट्रेनिंग के ऊपर भी वीडियोस मिलेगा, जहाँ पे मैं दिखाया हूँ बाट को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है। और आपको वो वीडियोस भी देखना है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा चैनल पे जाके देख लीजिए, बहुत सारा वीडियो मिलेगा बाट्स के ऊपर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।